IIM Bangalore has started its course in business analytics from this year. That is, IIM Bangalore ne MBA in business analytics start kiya hai, jiska first batch will be taking place from the year of 2020-2022. So common admission test of 2019 will be the admission marks for this course. That is, ki CAT 2019 ka score liya jayega for admission into the IIM Bangalore's business analytics program. Agar aapko pata nahi hai, another IIM that is offering the same type of course is IMC. IIM Calcutta का भी एक कोर्स है बिजनेस एनालिटिक्स के ऊपर. सो इन दिस टॉपिक और इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक बिजनेस एनालिटिक्स है क्या, कि इतने सारे अच्छे IIMs इसके ऊपर अलग से एक कोर्स बना रहे हैं. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी कवरिंग थ्री मेन क्वेश्चन, दैट इज कि IIM Bangalore का बिजनेस एनालिटिक्स का जो कोर्स है उसका कट ऑफ कितना हो सकता है इस साल. द नेक्स्ट इज स्कोप, कि इसका फ्यूचर परस्पेक्टिव कितना है, कि ग्रोथ कैसा होगा, इंडियन जॉब सिनेरियो कैसा है ये बिजनेस एनालिटिक्स के ऊपर. And last but not the least is placements. Because हर कोई ये MBA colleges में अपना 2 साल बर्बाद करता है और 2 साल invest करता है, मतलब invest करता है, and also a hefty fees is paid. So placements is the main important thing that people see. So placements कैसा है? And last, the main important question is, you as a student, should you join the course that is the Business Analytics Masters of Business Administration and Business Analytics of IIM Bangalore. So without any further ado, let's get this video started. सो लेट अस स्टार्ट विथ वॉट इज बिजनेस एनालिटिक्स, के बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है. अगर आप ध्यान से देखें, ये बिजनेस एनालिटिक्स ये जो फेज है ना, इसी पे ही बोला जाता है कि बिजनेस एनालिटिक्स क्या है. बिजनेस प्लस एनालिटिक्स इज बिजनेस एनालिटिक्स. दस एक जो बिजनेस डेटा होता है आपको मिलता है, उसको एनालाइज करके आउटपुट निकालना इज द थिंग दैट अ बिजनेस एनालिटिक्स डज. सो वाई इज दैट कि अभी ये IIMs जो है, IIMC बोलिए, IIMB बोलिए, बिजनेस एनालिटिक्स के ऊपर कोर्सेज स्टार्ट कर रहा है. तो इसके लिए वी हैव टू सी द वेरियस टाइम फेजेस. वन ऑफ द टाइम फेजेस इज 1995, दैट इज ईयर 1995 टू द ईयर 2005. देन द कम्स द ईयर 2005 टू ईयर 2017, एंड लास्ट इज 2018 टू द प्रेजेंट. सो 1995 से ईयर 2005 में होता क्या था? 1995 से 2005 में इंटरनेट का अर्ली स्टेजेस था. सो लैक ऑफ डेटा, डेटा उतना अवेलेबल नहीं था, बिकॉज लोग इंटरनेट नया नया आ रहा था, उतना पता नहीं था लोगों को कि हाउ टू यूज इंटरनेट प्रॉपरली, एंड डेटा उतना इजिली मिलता नहीं था. सो ऑल द डेटाज वेयर इन दिस बिग हाउसेज, लाइक बिग कंपनीज दैट यूज टू प्रोडक्ट और प्रोवाइड सर्विस, और उन्हीं के पास वो डेटा रह जाता था. बट दैट चेंज फ्रॉम द ईयर 2005 टू 2017. तब क्या हुआ? तब देखिए, सोशल मीडियाज आ गया, जैसे फेसबुक, सर्च इंजन आ गया जैसे गूगल, एंड वेरियस अदर थिंग्स केम इन टू प्रॉस्पेक्ट. अब जो आपको जो पता ही होगा, सोशल मीडिया जो है, फेसबुक या फिर अदर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, मतलब कंपनीज है, वो डेटास कंपनीज को बेचते हैं. आप जो एक सोशल मीडिया में जाकर यूज़ करते हैं, वो डेटास वो कंपनीज को बेचते हैं, क्यों, और उससे वो पैसे कमाते हैं. और जो कंपनीज को वो डेटा बेचते हैं, वो कंपनीज यूजेस इट फॉर टारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट, अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, एंड अदर एस्पेक्ट्स. और गूगल भी लगभग सेम ही चीज़ करता है. सो नाउ इन दिस फेज, दैट इज 2005 टू 2017, डेटा का अवेलेबिलिटी बहुत ही बढ़ गया. एंड नाउ कम्स 2018 प्लस, देयर इज डेटा ओवरलोड. अब इतना सारा डेटा लोगों के पास आ गया ना, लाइक मेनली द कंपनीज, मतलब बड़े बड़े कंपनीज के पास इतना डेटा आ गया ना, फ्रॉम यूजर डेटा फ्रॉम लाइक फेसबुक और मतलब गूगल में जो जाके आप सर्च कर रहे हो उसका डेटा, तो डेटा ओवरलोड आ गया है. मतलब अगर आप पहले इन द ईयर 2005 टू 1995 टू 2005 डेटा अवेलेबल नहीं था, बट अभी डेटा का बहुत ज़्यादा मतलब ओवरलोड हो गया है. सो नाउ एनालिस्ट्स और द एनालिस्ट्स आर रिक्वायर्ड इन अ ह्यूज नंबर, बिकॉज अगर आपके पास 5 एक ही चीज़ के ऊपर डेटा है, एंड यू हैव टू चूज जस्ट वन आउट ऑफ इट टू मेक अ बिजनेस डिसीजन, दस हु विल डिसाइड इट? इट विल बी डिसाइडेड बाई बिजनेस एनालिटिक्स और अ पर्सन हु इज मतलब हु हैज अ पावर और हु नोज वॉट बिजनेस एनालिटिक्स इज एंड हाउ टू डिनोट और हाउ टू डिराइव दैट पर्टिकुलर और वन सिंगल आउटपुट. तो इसीलिए बिजनेस एनालिटिक्स का इतना ग्रोथ आया है. एंड प्रीवियसली जो चीज़ था ना, मतलब देख लीजिए, पहले था कि MBA अगर करना है तो मतलब ओवरऑल एक जनरल MBA करना है, बट अभी उसके बाद नीच आ गया, द नीच फैक्टर हैज कम इन टू अकाउंट, मतलब अ लॉट. कि अगर आपको मार्केटिंग करना है तो सिर्फ मार्केटिंग का ये करिए, अगर आपको फिनेंस में सिर्फ जाना है तो फिनेंस में जाइए. सिमिलरली पहले भी मतलब 2005 से 2017 में भी बिजनेस एनालिटिक्स का रोल था, बट इट वॉज टेकन आउट फ्रॉम जनरल MBA. बट अभी ये जो नीच फैक्टर आ गया है, इसके लिए बिजनेस एनालिटिक्स एक पर्टिकुलर कोर्स खोला गया है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ जनरल MBA इन मार्केटिंग और जनरल MBA इन फाइनेंस, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस लाइक आर, पाइथन,
या फिर मतलब डेटा विजुलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है जो एक नॉर्मल एमबीए में उतना इन डेप्थ किया नहीं जाता है. सो इफ यू आस्क मी द फ्यूचर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स इज क्वाइट हाई एंड इट इज गोइंग टू राइज इन द नियर फ्यूचर. नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं व्हाट इज द कट ऑफ गोइंग टू बी ऑफ द कोर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स बाय आईएम बैंगलोर. देखिए ये फर्स्ट साल है मतलब आईएम बैंगलोर का मतलब बिजनेस एनालिटिक्स का, दस वी कैन नॉट से व्हाट द कट ऑफ इज गोइंग टू बी मतलब ऑन पॉइंट. सो हम लोग इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द फ्लैगशिप बीए प्रोग्राम द बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम ऑफ आईएमसी. अगर आपको पता नहीं है आईएमसी का एक बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम है जो आईएमसी इन कोलैबोरेशन विद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड आईआईटी खड़गपुर के साथ किया करता है. ये स्टार्ट हुआ था 2015 में और अगर आप देखें 2018 और 19 का जो रिटर्न टेस्ट कट ऑफ था वो 2018 का जनरल के लिए था 92, एनसीओबीसी के लिए था 82, एससीएसटी के लिए 61 और वो बढ़ के 2019 में हो गया जनरल के लिए 105, एनसीओबीसी के लिए 94 एंड एससीएसटी के लिए 70. अगर आप देखें कि हाउ मेनी पीपल वेर टेकिंग द एग्जाम ऑफ द बीए प्रोग्राम ऑफ आईएमसी यू विल सी 2018 से में है दैट इज 4000 वेर एज 2015 फर्स्ट बैच था दैट वर ओनली 1500 पीपल हु वेर टेकिंग द टेस्ट. दस देर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स. सो बिकॉज दिस प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम की वो मतलब फ्यूचर परस्पेक्टिव है, लोगों को पता चल रहा है उसके बारे में, दस द नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स आर ऑलवेज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर. वी कैन सी दैट अनलाइक आईएमसी जिसका एक अलग सा एक टेस्ट होता है फॉर द बीए प्रोग्राम, आईएमबी विल बी यूजिंग द कैट स्कोर फॉर शॉर्टलिस्टिंग द पीपल फॉर इट्स बीए प्रोग्राम. बट इफ वी सी द मतलब द बीए प्रोग्राम को जो दोनों का जो बीए प्रोग्राम्स है दोनों कॉलेज सेम लेवल पे है बिकॉज आईएमबी एंड आईएमसी आर द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ एमबीए इन इंडिया, तो दोनों का ऑन पार रहेगा. दस आर अजम्पशन इज दैट इट विल बी 95 प्लस का कोर स्कोर विल बी अ गुड स्कोर फॉर गेटिंग इन टू द मतलब फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ बीए और मतलब बीए प्रोग्राम ऑफ मतलब आईएम बैंगलोर इन द ईयर 2020-2022. एंड ये मैं जो मतलब 95% का जो बोल रहा हूँ ये मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होके बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज द फर्स्ट बैच ऑफ आईएमबी का बीए प्रोग्राम एंड दस आई विल थिंक दैट द कट ऑफ विल बी प्रीटी लेस. बट अगर आप मतलब फ्यूचर देखो इन द अपकमिंग ईयर्स इट इज गोइंग टू राइज ट्रिमेंडसली एंड आई थिंक दैट इन लाइक अ 5 ईयर स्पैन जो आईएम बैंगलोर का फ्लैगशिप प्रोग्राम है दैट इज द एमबीए प्रोग्राम उसका ऑन पार आ जाएगा इसका कट ऑफ. बट इस साल आई गेस एज इट इज द फर्स्ट ईयर द कट ऑफ विल बी ऑन अ बिट ऑफ अ लोअर साइड. Next, we'll be talking about the placements, the most important thing that is placements. Again, as we do not know what the placement or will be going to be, as this is the first batch of the IIM batch of BA program, thus again, we will be taking it as an inference from the IIM ka placements of the BA program. So, agar hum internships ke baare mein dekhe, toh average stipend jo hai domestic ka, wo tha 70,000, that is okay-ish. Aur international stipend tha 77,000. वैरस अगर आपको पता नहीं है आईएमसी का जो मतलब नॉर्मल एमबीए प्रोग्राम है उसका एवरेज स्टाइपेंड जाता है अराउंड 1.5 लाख पर मंथ वैरस इसका था 70,000 पर मंथ. सो यू कैन सी मतलब देर इज अ बिट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस एनालिटिक्स का मतलब प्लेसमेंट्स एंड दैट ऑफ द मतलब जनरल प्लेसमेंट्स. वैरस अगर आप फाइनल प्लेसमेंट्स का भी बात करें तो फाइनल प्लेसमेंट्स का एवरेज सैलरी था 17.14 दैट इज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल को इंक्लूड करने के बाद दैट इज 18.07. आप देख सकते हैं मीडियन क्या था, एवरेज 50% क्या था, ये आप खुद से देख सकते हो. सो इफ यू सी लाइक आईएमसी का मतलब दिस इज द डेटा ऑफ 2017 का बैच का, तो प्रीवियस साल का जो प्लेसमेंट था आईएमसी का द प्लेसमेंट वेर 24 वॉज द एवरेज पैकेज वेरस इसका था 17 और मतलब अगर आप 18 भी बोल सकते हो मतलब 18 था और इधर का 24. सो जनरल एमबीए का जनरल एमबीए से थोड़ा मतलब बिजनेस एनालिटिक्स का एमबीए का प्लेसमेंट थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा कम है. सो सेम वी कैन इन्फर फॉर दैट ऑफ मतलब आई एम बैंगलोर का जो बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है इस साल से. सो वी थिंक दैट इट विल बी ऑन पार एंड थोड़ा सा हेरफेर होगा जैसे इस साल आईएम का मतलब अगर इनका 23 होगा जैसे 23 लाख का एवरेज पैकेज होगा देन द एवरेज पैकेज फॉर दैट ऑफ द बीए प्रोग्राम विल बी 18. बट आई अगेन एज आई सेड बिफोर दैट देयर इज इमेंस ग्रोथ और इमेंस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर दिस प्रोग्राम. तो फर्स्ट बैच का जो प्लेसमेंट होगा वो थोड़ा कम होगा बिकॉज इट्स अ फर्स्ट बैच, कंपनी उतना भरोसा नहीं कर सकता कि कैसा बैच होगा आई एम बैंगलोर का बीए प्रोग्राम का फर्स्ट बैच का, तो थोड़ा वो कम होगा. बट एज यू सॉ द स्कोप फॉर बीए इज मतलब प्रीटी ह्यूज एंड फ्यूचर प्लेसमेंट्स विल राइज अकॉर्डिंगली. सो कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुड यू ज्वाइन द कोर्स और नॉट. देखो यार ये आई एम बैंगलोर का एक प्रोग्राम है, दैट इज आई एम बैंगलोर का ये एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम है. द
Thus, if you are enrolling into the program, you are getting an alumni status of IIMB, one of the best institutes in India, like one of the best, or the top three, मतलब top three में आता है, and it also comes among the top 100 colleges in the world. So, सोच लो, getting an alumni status of that college is pretty huge, and the awesome future scope of business analytics, as जैसे कि मैंने पिछले में describe किया, business analytics का scope बहुत huge है future में. So, this is a very good place or position to join this course as per me. एक जो मतलब cons बोल सकते हो या uncertainty बोल सकते हो कि first batch है तो उसका placements कैसे होगा, people do not know. So you might be a bit skeptic about that यार placements अगर अच्छा नहीं हुआ first batch में मैं घुस गया तो क्या होगा. But again, first batch का placements का uncertainty है, इसलिए as I mentioned before, the low cutoff will be there. Because if you, as I said, 5 साल, आज से 5 साल बाद इन स्कोर का कट ऑफ, I will guarantee that इसका मतलब ऑन पार हो जाएगा MBA के साथ. So ये जो लो कट ऑफ है, इसके लिए ये अनसर्टेंटी के लिए ही है. अगर अनसर्टेंटी नहीं रहता तो ये कट ऑफ लो नहीं रहता. बट इफ यू एज अ स्टूडेंट आर एनरोलिंग, मतलब यू आर गेटिंग अ चांस टू गेट इन टू IIMB इन अ प्रोग्राम विद अ लो कट ऑफ, विद अ लो परसेंटाइल इन कैट, बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेंटी, सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड एनीबडी टू द जिसका मतलब IIM Bangalore में ऐसे एडमिशन नहीं हो पा रहा है टू ज्वाइन दिस कोर्स. मोर ओवर इफ यू इफ आई से मतलब मेरा जो कंसिडरेशन है, IIM Bangalore का बैचलर्स प्रोग्राम इज मच बेटर देन डूइंग MBA फ्रॉम लाइक कॉलेजेस लाइक IIM Kozhikode और IIM Indore. अगर आपको IIM ABC या तक L तक भी कुछ मिल जा रहा है, मतलब IIM Lucknow इज मतलब बिलो IIMB, तो उसका भी अगर आपको MBA प्रोग्राम मिल रहा है देन इट्स ओके दैट यू गो एंड ज्वाइन. बट आपको अगर IIM Kozhikode मिल रहा है और IIM इंदौर का MBA प्रोग्राम मिल रहा है और IIM Bangalore का बिजनेस एनालिटिक्स मिल रहा है, देन आई वुड प्रेफर एनीबडी टू गो एंड ज्वाइन IIMB का बिजनेस एनालिटिक्स. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, इतना ही मुझे बोलना था. अगर आपको और डाउट्स है तो यार कमेंट्स में तो लिख ही सकते हो. इफ यू थॉट दैट माई वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर एनीबडी आउट देयर, तो लाइक कर दो यार एंड सब्सक्राइब कर दो फॉर फ्यूचर वीडियोज. सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Hope you found the information provided to be valuable. If so, then please like the video. It takes a lot of effort to make such videos. For any other queries, write in the comment section below. And for more such future videos, please subscribe to our channel. The Geek signing out. Peace.